क्लिनिक में? आप क्लिनिक में क्या कह रही हैं? सब खैरियत है ना? तुम जब आओगे तो बताऊंगी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैं, आप कहाँ थी? मैं तो यहीं थी आपके पास, आप ही सो रहे थे। नींद पूरी हो गई? जी, मैं, आपको पता है मेरे साइंस में फुल मार्क्स आए। हाँ, दिखाऊं मैं आपको? दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। तुम कब आई? भाभी मैं तो दोपहर से आई हुई हूँ, वो बेबी आंटी की तबीयत खराब हुई थी ना, तो वो कह रही थी कि जब तक आप नहीं आती मैं उनके साथ बैठ जाऊँ। क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं, बस वो कह रही थी उनका दिल उदास हो रहा है और वो बार बार वलीद का पूछ रही थी। वलीद का? वलीद घर नहीं आया अभी तक? नहीं, और उसका फोन भी बंद जा रहा है। हाँ हाँ, शाबाश, आप जाके ना उमर के साथ खेलो। क्या हुआ भाभी? तुम ना वासिफ को फोन करो और उसको बोलो कि वलीद के सारे दोस्तों को फोन करे और पता करे वलीद का। जी। मैंने भी वलीद को बहुत कॉल की और उसको आना था लेने मुझे, लेकिन वो आया ही नहीं। आपको लेने? तुम वासिफ को फोन करो। अच्छा चलो मैं निकल रहा हूँ, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ समन बोलो। हेलो वासिफ भाई, आप कहाँ हैं? यूनिवर्सिटी में हूँ, घर आ रहा हूँ। कह रही है वो वलीद अभी तक घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद जा रहा है। तो आ जाएगा, इधर ही होगा, किसी दोस्त के पास गया होगा। मेरी बात। हेलो वासिफ, वासिफ तुम ना वलीद के सारे दोस्तों को फोन करो और वलीद का पता करो, उसका दोपहर से फोन बंद आ रहा है। भाभी परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ उसका। हाँ तुम्हें जैसे ही पता चले तो हमें बताना। हाँ क्या हुआ भाभी, आप तो बीबी आंटी से भी ज्यादा परेशान लग रही हैं। तो जिम्मेदार लड़का है वलीद, फोन उसका बंद आ रहा है, उसने मुझे आना था लेने और फिर आया ही नहीं। समन, तो तुम ना किसी को बताना नहीं कि मेरी वलीद से बात हुई थी? हाँ भाभी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। मैं तुम्हें तफसील से ना बाद में सब कुछ बताऊंगी, अभी बस तुम दुआ करो कि वलीद खैरियत से हो। मैं उसे वापस कॉल करती हूँ। मेरा तो दोपहर से ही दिल घबरा रहा था, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। घबराने की जरूरत नहीं है, तसल्ली रखो, वासिफ गया है उसके दोस्तों के पास पता करने। और क्या? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं और नसीर जाके ना थाने में वलीद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा के आते हैं। नहीं नहीं अभी जाने की जरूरत नहीं है, वासिफ को आ जाने दो, हो सकता है जाने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं वासिफ के आने का इंतजार मत करो, जल्दी जाओ रिपोर्ट लिखवाओ, पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा। तुमने अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट लगाई? जी भाभी मैंने पोस्ट लगाई है, वलीद की पिक्चर भी साथ लगाई है और वासिफ भाई का नंबर भी मेंशन किया। आप भी अपने सोशल मीडिया पे लगाएं, हो सकता है उसके थ्रू ही कोई हेल्प मिल जाए। सब्र करें, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। जमाल भाई
किसी दोस्त को नहीं पता उसका। चले जवाब भाई पुलिस स्टेशन चलते। एक मिनट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैंने पोस्ट लगाई, मेरा भाई है। मैं आता हूँ अभी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई क्या हुआ? किसी लड़की की कॉल थी, उसने मेरी पोस्ट देखी है। वो कह रहे थे इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, उसे किसी हॉस्पिटल लेके गए। अरे अम्मी हो सकता है वो कोई और हो, खबर झूठी हो। जमाल भाई हमें करीब के हॉस्पिटल में चेक करना होगा। चलो 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 भाई जल्दी चलो। अरे अब्बा आप बैठे हैं, हम तीनों देख के आते हैं अस्पताल। चलो चलो, चलो। आप रुके, हम आ रहे हैं ना। चले ना वासिफ, तुम यहीं रुको। जमाल भी पोस्ट में मेरे ही नंबर है, मुझे चार्ज चलने दे प्लीज। चलना यार, चले चल। जल्दी बताना बताना कि सब खैरियत है ना। अरे परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, हमारा वलीद बिल्कुल ठीक होगा। मेरा बच्चा। फरहत, फरहत, अम्मी मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए। तुम्हारी वासिफ से बात हुई है? किस वक्त आ रहे हैं वो लोग कल? हाँ बात तो हुई थी मेरी उससे, लेकिन उसने टाइम नहीं बताया। मैं कॉल करके पूछती हूँ। कॉल कट कर दी। किसी के साथ होगा, मैसेज कर लूं? मैसेज करती हूं। क्या हुआ? अम्मी वो तो कह रहा है कि कल शायद वो लोग नहीं आ पाएंगे। ये क्या तरीका है, एन वक्त पर मना कर दिया।
घर में थी भाभी, उस घर की किस्मत जागे, रीचेस को भाभी हिम्मत पुर रहे, रीचेस को भाभी हिम्मत पुर रहे। थैंक यू भावना, यू आर कमिंग आउट ऑफ वर्क। सो पार्टी को हैप्पी पाने में चाहिए। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। बहुत तंग करने लगी हो तुम मुझे। अभी कहाँ तंग किया है मैंने तुम्हें? तुम्हारी रोते वाली पिक्चर भी नहीं पोस्ट की यार, उसे डिलीट कर दो यार प्लीज। सही कह रहे, जब से वो पिक्चर ली है ना, मेरा फोन हैंग होने लग गया। ठीक करवा के ले आओ। बेटे फरहत, आप वासिफ को फोन करें ना, उसे पूछे कल वो लोग क्यों नहीं आ रहे। अब्बू मैंने कॉल की थी लेकिन वासिफ ने कट कर दी। तो कोई बात नहीं, आप उसे मैसेज करके पूछ लें। ये क्यों पूछे, उसे खुद वजाहत देनी चाहिए। बेगम, अच्छा आप ऐसा करें, आप वासिफ की वालदा को फोन करें, उनसे मालूम करें। बात समझ ही नहीं रहे, अगर उन्हें नहीं भी आना तो उन्हें खुद इन्फॉर्म करना चाहिए और वजह भी खुद ही बतानी चाहिए। अब मेरे पास भी वासिफ के वालिद का मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं ही कॉल कर लेता। बिल्कुल भी नहीं, अगर नंबर होता भी ना तो मैं आपको कॉल नहीं करने देती। ये कोई तरीका है कि ऐन मौके पर मना कर दिया, बगैर वजह बताए और फोन भी नहीं उठाया। वो तो यूं ही मैंने इसे कहा कि वासिफ को कहे और पूछ ले कि कल किस वक्त आएंगे, तो रिप्लाई आया कि शायद हम कल आए ना। बेगम मैं फिर भी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप फोन करके उनसे पूछ लें। जब ये रिश्तेदारी वाले मामलात होते हैं ना, तो इसमें बहुत एहतियात से काम लेना होता है। इस तरह से अपनी अना परस्ती में नहीं रहना पड़ता, अपनी अना को रौंदना पड़ता है। कमाल करती हैं आप, इतना रिएक्ट ना किया करें। अरे कब शुरू होगा, इतने इश्तेहार दिए जा रहे हैं, लगता है ड्रामे में इश्तेहार नहीं, इश्तेहार में ड्रामा चल रहा है। अम्मी वहाँ सब परेशान बैठे हैं और आप यहाँ बैठे ड्रामे देख रही हैं। अरे तो तुझे तो पता है ना मेरे पसंदीदा ड्रामे की आखिरी किस्त चलनी है आज, और आखिरी किस्त तो मैं कभी छोड़ती भी नहीं। वैसे भी रिपीट में मजा नहीं आता आखिरी एपिसोड देख। हाँ मुझे पता है, आप तो वैसे अपनी दुनिया में मस्त रहती हैं। बहुत तू ताने देने लगी है मुझे अपनी दादी की तरह, जबान जो है ना गुंडी से खींच लूंगी किसी ने पकड़ के। मैं वैसे मैंने चार रकात नमाज नफिल मांग ली है शुक्राने की, आ जाएगा तेरा चाचा इंशाल्लाह। और कुछ पता भी नहीं कि जिस आदमी ने इतला दिया वो इतला ठीक भी है कि नहीं। फोन आया कोई वहां से? नहीं अभी तक कोई फोन नहीं आया, लेकिन बेचारी दादी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। देख लो ये सबक है देखने वालों के लिए, अभी दो दिन पहले तेरी दादी ने कितना बुरा सलूक किया था मुझसे, हैं खून के आंसू रुलाया था मुझे, अब खुद बैठ के रो रही है। तौबा करें अम्मी, ऐसे तो ना बोले। चुप कर जा,
एक ही दिन में बोलें। अगर ज़्यादा हमदर्दी आ रही है ना, जा जाके चाची को बोल कि दादी के लिए ना ठंडा ठाट शरबत बना दे उनको, और मेरे लिए भी एक गिलास बनवा दियो। कसम से बहुत गर्मी लग रही है मुझे। तौबा है अम्मी, वहाँ किसी से पानी तक नहीं पिया जा रहा और आपको इधर शरबत की पड़ी है। मैंने भी मना किया ना तुझे, बहुत जबान चला रही है तू मुझसे। चल भाग यहाँ से, जा रही हूँ मैं। सुन, कोई भी फोन आए फौरन आके मुझे बताना है, पहले बता दूंगी। चमची के और यही ड्रामा शुरू हो गया। आंटी का फोन है, वो कल दावत का कह रही होगी। अना कर। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो अस्मा? वो मैंने बस याद दिलाने के लिए फोन किया था कि कल दावत है, कब आएंगे आप लोग? आंटी कल तो हमारे लिए मुश्किल होगा आना, वो वलीद का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मैं समझी नहीं? दोपहर से वलीद का फोन बंद है, वासिफ गया है उसकी तलाश में, अल्लाह खैर करे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। जैसे वो वासिफ ने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था तो किसी ने कॉल की है, कहीं गया है। बस आप दुआ करें अल्लाह खैर खैरियत से उसको वापस ले आए। इंशाल्लाह खैर की खबर आएगी, आप मेरी तरफ से घर वालों को दिलासा दें। जी बिल्कुल, शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या हुआ है? वो वासिफ का भाई वलीद लापता हो गया। क्या? What? देखा ना बेगम, मैंने आपसे कहा था जरूर कोई ना कोई वजह होगी जो वो फोन नहीं उठा रहे। आप तो ऐसे ही बदगुमान हो जाती हैं। खुदारा किसी से बदगुमान होने से पहले उसे वजाहत का मौका दे दिया करें आप। देखिए अभी लड़के के घर वालों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब, हम वलीद के भाई हैं, इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी देखकर नहीं चला सकते थे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। देखिए ये लड़ाई का वक्त नहीं है, दुआ का वक्त है। आपको तो इनका ममनून होना चाहिए। ऐसे हादसात के बाद तो लोग सड़कों पर मरता छोड़ के फरार हो जाते हैं, लेकिन वो ना सिर्फ इस हॉस्पिटल लेके आए बल्कि घर वालों का उन्होंने इंतजार भी किया। हादसे के बाद इनका मोबाइल गायब हो गया था। रब्ता करने का कोई जरिया ही नहीं बचा। किसका फोन है? घर से? डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं? हमने उन्हें आईसीयू में रखा हुआ है। डॉक्टर साहब खतरे की तो कोई बात नहीं है? देखिए सिटी स्कैन की रिपोर्ट आने दें, उसको देख के ही मैं कुछ कह सकता हूँ। इस कंडीशन में मरीज का होश में ना आना वाकई खतरे की बात है, और मरीज कोमा में भी जा सकता है। मैं बब्बू को फोन करके बताया था। देखिए सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाए, इसके बाद भले से आप घर पे कॉल कर दीजिएगा। दुआ करेंगे मरीज को होश आ जाए। डॉक्टर साहब अम्मी अब्बू को बताना बहुत जरूरी है। जब से तस्बीह दुआएं कर रही हूँ, मंजिले पढ़ के फूंक दी मैंने, तो जितनी दुआएं याद थी सब पढ़ ली मैंने, चुराने के नफिल भी पढ़ लिए। भाई मैंने कहा ये क्या बात है कि सब रोने पीटने में लगे हुए हैं, भाई अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह से दुआएं भी करते हैं, तब जाके कई मसाइल हल होते हैं, क्यों भाई?
ठीक किया था मैंने। अल्लाह वाली बहू है हमारी। सिर्फ भी उन्हें कहेगा कुछ भी नहीं हुआ, बस खैर खैरियत है। अब वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ईशा की नमाज पढ़ने गए होंगे, आप अम्मी को मिलाएं। हेलो जी, नसीर का फोन। हेलो, हाँ नसीर, कुछ पता चला? वलीद अस्पताल में एडमिट है। क्या बात, तो कह रही थी तो है ना, मेरा बच्चा, मेरी बात करवा दे। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र, मेरी बात करवा दे बेटा वलीद से। अम्मी वलीद से बात करवाने का कह रही है। अच्छा फोन करो तो ना। हेलो जी अम्मी से, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जमान, वलीद से मेरी बात करवा दो बेटा। अम्मी वो वलीद का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हुआ उसका। नहीं अम्मी आप परेशान मत, रोए मत, वो खैरियत से, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, जैसी जैसे उठता है मैं आपकी बात करा दूंगा, परेशान मत। मेरी बात करा दे बेटा, बात करा दे वलीद से। अब मुझे दो, मुझे दो फोन, फोन मुझे। हेलो, हाँ बेटा कैसा है वलीद? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अबू वलीद का एक्सीडेंट हो गया, अम्मी को बताया मैंने, अभी खतरे की बात नहीं है, वो ठीक है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ, हम सबको जाना चाहिए। हम सब आ रहे हैं साथ। अरे मैंने अम्मी को बताया आप परेशान मत हो, हम लोग हैं ना यहाँ पर, हम सब यहाँ पर हैं, आप वहीं रुके। सर उस लड्डू को होश आ रहे हैं। अब मैं आपको फोन करता हूँ, आप लोग ना आइएगा, सब खैरियत है, हम यहाँ पर मौजूद है, आप परेशान हैं, मैं फोन करता हूँ आपको, ठीक है? वो क्या कह रहा है? वो खैरियत है, कह रहा है सब खैरियत है, बस दुआ करो कि परवरदिगार अपनी अमान में रखे। वली तुम ठीक हो? तुम्हें याद है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? जी जवान भाई। कैसे हुआ था? मैंने बाइक गाड़ी में मार दी थी। इनकी गाड़ी से टक्कर हुई थी तुम्हारी? आपकी स्पीड बहुत तेज थी। वली तुम स्कूटर तो तेज नहीं चलाते हो? मैं बहुत जल्दी में था जवाल भाई। किस बात की जल्दी थी तुम्हें? कहाँ जा रहे थे? बस पापा भी ठीक है। कहाँ है वो? तुम अस्मा का क्यों पूछ रहे हो? अम्मी और भाभी लोग नहीं आए ना इसीलिए। अम्मी अबू आ रहे थे, मैंने रोका आने से। माशाल्लाह रिपोर्ट तो क्लियर है आपकी। डॉक्टर साहब अम्मी दोपहर से इसके लिए दुआ कर रही थी, पता नहीं उन्हें कैसे इनाम हो गया था। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया बताए। भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इतना साथ दिया। दरअसल में मेरे वालिद साहब की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी, काश वो शख्स मेरे वालिद साहब को हॉस्पिटल ले जाता
तो आज मेरे वालिद साहब जिंदा होते, मेरे साथ होते। अल्लाह ताला आपके वालिद की मगफरत करे। आमीन। मुझे इजाजत दीजिए फिर। आप हमारे घर आइएगा, अम्मी खुश होंगी आपसे मिलकर। जी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बिलिंग किस तरफ हो? अरे नहीं नहीं, बिलिंग देने की जरूरत नहीं है, बिल हम पे करेंगे भाई, आप परेशान ना हो। आपने हमारा इतना साथ दिया, अल्लाह आपको इसका जजा दे। बल्कि अगर आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है तो हम पूरा कर देते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आप जैसे लोग ही हो माशरे में, वरना आजकल तो हादसा के बाद लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। आमीन। शुक्रिया। इतनी देर पहले कहा था कि हम आ रहे हैं, अभी तक आए क्यों नहीं है? बस आते ही होंगे। कैसे कैसे कह दिया आपने, आते होंगे। फोन मिलो। अरे क्यों बार बार बच्चों को फोन करके तंग कर रही हो? आ जाएंगे आ जाएंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा जब उन्होंने हमें अपनी परेशानी के बारे में बता दिया है, हर बात शेयर कर ली है, तो फिर आप क्यों इतनी उलझी हुई लग रही हैं? अबू मैं उसको कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल ही नहीं पिक कर रहा है मेरी। मैं तो सिर्फ उससे बात करना चाह रही थी। बेटे बेहतर है कि आप उसे यूं फोन बार बार करके डिस्टर्ब ना करें। क्यों तंग कर रही हैं? तंग मत करें उसे, लेट हिम कॉल यू, वो खुद करेगा आपको फोन। अजहर क्या हमें उनके घर चलना चाहिए अभी इस वक्त? अजहर हम उनकी परेशानी तो बांटने जा रहे हैं। नहीं नहीं बेगम, अभी हमारी रिश्तेदारी उस नौयत की नहीं हुई कि हम बस ऐसे ही कैजुअली उनके घर चले जाएं। मेरा ख्याल है कि वो बड़े वजादार और बड़े ही रख रखाव वाले लोग हैं। इस तरह से अगर हम जाएंगे तो वो अपने बेटे का सास और ससुर समझकर हमारी खिदमत में लग जाएंगे, हमारी मेजबानी में लग जाएंगे। नहीं नहीं, ये ना मौका है ना महल है, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हाँ हम वासिफ से फोन पर बात करते हैं, उससे रबते में रहते हैं, हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। वाह भाई, बड़ा ही जबरदस्त एंड था कसम से ड्रामे का। चल भाई अजरा, इससे पहले कि यहाँ नया ड्रामा शुरू हो जाए, नीचे वालों की खबर ले ले, कहीं ऐसा ना हो तेरी खबर लेने ऊपर पहुंच जाए। चल भाई चल। अए ला, अए कसम से टांगे सुन हो गई मेरी मुसल्ले पे बैठे बैठे। जब से तस्बीह दुआएं कर रही हूँ, मंजिले पढ़ के फूंक दी मैंने तो, जितनी दुआएं याद थी सब पढ़ ली मैंने, चुकाने के नफिल भी पढ़ लिए। भाई मैंने कहा ये क्या बात हुई कि सब रोने पीटने में लगे हुए हैं। भाई अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, अल्लाह से दुआएं भी करते हैं, तब जाके कई मसाइल हल होते हैं। क्यों भाई ठीक किया? माशाल्लाह अल्लाह वाली बहू है हमारी। लो आ गए। हाय शुक्र, हाय हमारा बच्चा घर आ गया खैरियत से। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा। क्या हो गया? ठीक है ना? खैरियत से? इधर इधर आके बैठ बैठ। बहुत दुआएं की मैंने तेरी। क्या हुआ था हैं? क्या हुआ था? ये सब कुछ कैसे हो गया बता तो सही। ठीक हूँ मैं। तुम पीआईबी कॉलोनी क्या करने गए थे? ना वहां पे तुम्हारा ट्यूशन सेंटर है, ना कोई दोस्त रहता है। और हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? कहाँ था हेलमेट? कितनी मरतबा समझाया है मैंने तुम लोगों को कि बगैर हेलमेट के बाइक मत चलाया करो, जरा ऊंच नीच हो गई तो सारी जिंदगी का रोग बन जाता है, मगर तुम लोग सुनते ही नहीं। तुम्हारी माँ की हालत देखने वाली थी, मगर तुम्हें तो टार्जन बनने का शौक है बस। ओहो क्या हो गया आपको, क्यों डांटे जा रहे हैं आप?
शुक्र करें कि खैरियत से आ गया बच्चा। शुक्र करें खैरियत से आ गया, मेरी तो जान निकाल ली थी इसमें। भाई जमाल को कहाँ छोड़ा है? वो पुलिस स्टेशन गए हैं इसकी बाइक का पता करने। अम्मी मैं खाना लगाऊं? एक गिलास दूध गर्म करके लाओ बेटा इसके लिए। हल्दी मिला देना उसमें, छोटों का तो बाद में पता चलता है, कल पता चलेगा कहाँ कहाँ लगी है। फरहत, फरहत बेटा। जी अम्मी, असमा का फोन आया है, वलीद घर आ गया है। अच्छा मैंने तुम्हारे अब्बू को भी कह दिया कल हमें उनके घर जाना चाहिए। हाँ मैं वासिफ को ना मैसेज करके बता देती हूँ। हाँ मैं भी असमा को कल फोन करके बता देती हूँ। अच्छा मैंने मिल्कशेक बनाया, आकर पी लो। ओके बेटा। हेलो, शुक्र है तुमने कॉल कर ली, मैं बहुत परेशान हो रही थी। यार मत पूछो, वली ने तो हम सबको डरा ही दिया था। वो तो अम्मी की अस्मा भाभी से बात हो गई, वरना तुम्हारी तरफ से तो कोई अपडेट ही नहीं थी। यकीन करो अभी बस मुंह धो के निकला हूँ और तुम्हें कॉल करने वाला था। अच्छा अब वलीद कैसा है ये बताओ। ठीक है अब। अच्छा सुनो, कल अम्मी अब्बू आएंगे तुम्हारे घर वलीद से मिलने। अच्छा ठीक है, मैं अस्मा भाभी को बता दूंगा। वैसे अम्मी खुद भी फोन करेंगी सुबह। चलो ठीक है। तुम काफी थके हुए लग रहे हो, अगर तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ, हम कल बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ यार बहुत थक गया हूँ, बस अभी मैं सोता हूँ, कल बात करेंगे। अच्छा वलीद को मेरी तरफ से जरूर पूछना, और हो सके तो मेरी फोन पे भी बात करवा दे। हाँ मैं कल बात करवा दूंगा, अपना क्या रहा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ मार्केट के हालात ही ऐसे, काम बिल्कुल रुका हुआ है। जमाल भाई वो आपने नहीं बाइक ले आए थे? तुम्हारी बाइक का तो भैया होलिया ही बिगड़ा हुआ है। तुम एक काम करो, अपनी बाइक बेचो, मैं तुम्हें नई बाइक दिला देता हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, इसको बेच के नया मोबाइल ले लूंगा। नहीं नहीं मोबाइल मैं दिला दूंगा, मॉडल बता देना कौन सा चाहिए। वैसे भी बाइक में तो आए दिन कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ता है। जी अम्मी इसलिए सोच रहा हूँ बेच ही दूं इसको। अच्छा अम्मी एक काम कीजिएगा, वासिफ को कहिएगा कि इसकी पट्टी चेंज करा दे, गाड़ी घर पर ही है। अच्छा और आप कैसे जाएंगे? वासिफ की बाइक पे चला जाऊंगा। मेरा मोबाइल कहाँ है? कमरे में चार्ज पे लगा हुआ है। अच्छा मैं आता हूँ।
मैं सिर्फ वलीद की वजह से खामोश हूँ। लेकिन ये जो कल तुमने डॉक्टर के सामने ड्रामा किया था वो क्या था? दूर रहे मुझसे, मैं भी सिर्फ वलीद की वजह से खामोश हूँ। अच्छा नहीं तो क्या करती तुम? देखो ये मियां बीवी के आपस के मामलात होते हैं। हाँ तो मियां बीवी को आपस में बात करनी चाहिए, ना कि मियां बीवी पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर दे। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, बहुत बहादुर बन गई हो तुम। बीवी कमजोर हो सकती मगर माँ, माँ बहादुर ही होती है। उनतालीस जोड़ी, 40 जोड़ी, 41, 43। भाई तो हिसाब खुद कर लो ना, हर बात मैं ही बताऊं तुम्हें। देख लो कितना माल पहुंच गया। वाह चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। कब से कह रही हूँ कि मेरे फोन का स्क्रीन टूट गया है, नया फोन दिला दो। तो मुझसे कहा कि उसी फोन पे गुजारा करो है, और अब भाई के लिए नया फोन आ रहा है। वाह वाह। 3 साल पहले अपने भाई को मोबाइल लेकर दिया था, उसका मोबाइल चोर हो गया तो उसका हक तो बनता है ना। और तुम्हें तो मैंने नया मोबाइल लेकर दिया था ना, तुम ढंग से यूज ही नहीं करती। इतना महंगा मोबाइल था, स्क्रीन तोड़ दी तुमने उसकी। चलो ठीक है, मैं वासिफ को बोलता हूँ स्क्रीन जोड़वा देगा। जी नहीं, मुझे नया फोन ही चाहिए। तुमसे तो 4 पैसे मांग लो तो तुम्हारा मुंह बन जाता है, है? एकदम फकीर हो जाते हो, कारखाने के हालात खराब हो जाते हैं और भाइयों के लिए धल 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 पैसा बरसने लगता है। बाइक आ रही है भाई के लिए, फोन आ रहा है भाई के लिए। अरे अपने भाइयों में अपनी माँ में घुसे रहो। अगर उन्हीं के साथ रहना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी, जब बीवी का हक नहीं निभा सकते थे तो है लूट लूट के खा रहे तुमको। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हजारों से अच्छी हो, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी होती है। अगर मैंने अपने भाई का थोड़ा सा ख्याल कर लिया तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम जैसी औरतें ना सारी जिंदगी जलते कुड़ते गुजार देती हैं। अरे जलती है मेरी जूती, बड़े आए कहीं से जलती है, बता दिया है मैंने। वलीद के लिए जो फोन आएगा ना उससे डबल पैसों का फोन मेरे लिए आएगा, वरना एक बार फिर फोन चोरी हो जाएगा उसका। ऐसा हंगामा करूंगी ना घर में, जीना हराम कर दूंगी मैं सबका। अच्छा बाबा, ला दूंगा तुम्हें मोबाइल। मैं आऊंगा। मेरे मियाँ की कमाई दोनों निकम्मे भाई बैठ के खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया मुझे।